डेढ़ साल से आ रहे हैं, 500 का तेल जला करके आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आके खा करके जाते हैं। अच्छा, पैसा वसूल है क्या? पूरा पैसा वसूल है। और यहाँ पे भी भैया लोग बैठे हुए हैं और खूबसूरत नजारे के साथ जो नेचर और माहौल दिखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको अपना हॉलीडे एंजॉय करना है तो नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज एक बार फिर से हम लोग आपको एकदम देसी खाना खिलाने के लिए लेके आए हैं, और आज हम लोग रांची से 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं और इस जगह का नाम है तिरला। यहाँ आने के लिए आप में से ही बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था और आज हम लोग आ चुके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है, इस जगह का नाम है झारखंड ट्राइबल फूड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है यहाँ पे एकदम झारखंडी खाना मिलता है। तो आइए आपको दिखाते हैं, इधर आप देख सकते हो देसी खाना, शुद्ध खाना लिखा भी हुआ है और एकदम लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए एक चाची है जो कि झारखंडी सखुआ का पत्ता होता है उसको सिल के पतरी बना रही है। और आपको अंदर हम लोग लेके जाते हैं, ये इनका रसोई घर है और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मेन्यू कार्ड लगा हुआ है। और मेन्यू कार्ड में यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, छिलका रोटी, मड़ुआ रोटी, देसी खाना। और ऊपर में भी बैठने के लिए इंतजाम है जहाँ पे अभी हम लोग आपको लेके चलेंगे, और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे बत्तख रखा गया है और बहुत सारे बत्तख हैं यहाँ पे। शहर में नहीं मिलेगा, देखिए खटिया लगा हुआ रहता है यहाँ पे और पेड़ के नीचे आराम से आप। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देसी मुर्गा बनाया जा रहा है और यहाँ पे भैया हैं। भैया देसी मुर्गा बनाने का कितना लेते हैं? पर केजी? एक केजी का 700 रुपया पूरा बना के कंप्लीट। पूरा 700 रुपया में मुर्गा भी बनाने का भी सब कुछ? हाँ। और बत्तख भी आप लोग बनाते हैं? हाँ, बत्तख। बत्तख कितना लेते हैं? 450 में एक पीस बत्तख पूरा बना कम्प्लीट। 450 में एक पीस बत्तख जी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको बतख भी मिल जाएगा, मुर्गा भी, देसी मुर्गा मिल जाएगा। और यहाँ पे ये पूरा अच्छे तरीके से पूरा देसी स्टाइल में खाना बनाते हैं। यहाँ बहुत झारखंडी खाना मिलता है, यहाँ पे आपको मड़ुआ रोटी, छिलका रोटी, ढेकी चावल, साथ में आपको चाकड़ गुड़ा, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं और एड्रेस भी बताएंगे, जो खाएंगे उसका रेट भी बताएंगे, और यहाँ पे जो टेस्ट करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि खाने का स्वाद कैसा है। तो आइए थोड़ा रसोई दिखाते हैं आपको, क्या क्या है रसोई में और किस तरीके से देसी अंदाज में खाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे मशहूर यहाँ का ढेकी चावल है जिसका चावल आपको खिलाया जाता है, बहुत ही देसी तरीका होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चावल कूटा जा रहा है। तो ये यहाँ की खासियत है, हमारे झारखंड में इस तरीके का खान पान है और यहाँ पे आपको पूरा झारखंडी खाना मिलेगा। कर दो। तो दोस्तों देखिए पूरा देसी तरीके का इनका तैयारी भी रहता है। क्या क्या बना रहे दीदी, क्या क्या है? मिर्चा है और लहसुन है। अच्छा, मिर्चे
अच्छा साग बनाने के लिए। तो दोस्तों देखिए लहसुन मिर्चा का यहाँ पे तैयारी हो रहा है और यहाँ पे हमारा बतख जो है वो भी कट के आ चुका है और देख सकते हैं चूल्हा जल चुका है, कढ़ाई भी चढ़ चुका है, तो पूरा तैयारी हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे फ़ोन करिएगा तो ये लोग पहले भी बना के रख देते हैं ना। दोस्तों बहुत सारा ऑर्डर आ गया है यहाँ पे और देखिए बन रहा है यहाँ पे खाना। इसमें क्या बनाइएगा? अच्छा चाकोर साग। तो चाकोर साग भी मिल जाता है यहाँ पे और देखिए यहाँ पे चाकोर साग बनेगा। और दोस्तों देखिए ये है बतख का मीट और बहुत टेस्टी दिख भी रहा है। तो देखिए दोस्तों ये है चाकोर साग का गुड़ा और एकदम बहुत ही अच्छा सूप की तरह होता है, ये बहुत टेस्टी होता है और ये बन के बिल्कुल तैयार है अब। और इधर हमारा बतख भी बन के रेडी है। तो ये हम लोग 450 रुपया लगता है ना बनवाने का पूरा? हाँ, तो ये 450 रुपया में एक बतख तैयार हो जाता है ना दीदी? तो अभी हम लोगों का खाना लगभग तैयार है। और चावल कौन सा तैयार किए हैं? ढेकी चावल। अच्छा तो यहाँ पे एकदम पूरा और देखिए एक और भी कट के रखा हुआ है यहाँ पे और चूल्हा इधर भी तैयार है। अरे यहाँ अंशु है। अंशु भूख लग रहा है जोर से, देख के और मुंह में पानी आ रहा है। एकदम देसी खाना है दोस्तों और एकदम खाने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा। आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे बन रहा है और हमारा वाला खाना ये है, ये हमारा है जो कि बत्तख हम लोग बनवाए हैं और बाकी लोगों का भी बन रहा है एक साथ में यहाँ पे। और देसी तरीके से पूरा बनाया जा रहा है और यहाँ पे देखिए दीदी हम लोग के लिए निकाल रहे हैं और हम लोग का ये मीट बन गया है। तो बतख का मीट हम लोग बनवाए हैं और ये भी पूरा तैयार है। तो जल्दी से हम लोग के लिए निकाल दीजिए, बहुत भूख लग रहा है। तो देख सकते हैं कितना साफ सुथरा इनका किचन भी है और पूरा देसी तरीके से खाना बनाया जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत टेस्टी दिख रहा है हमारा जो खाना है वो बन चुका है। और इस वाले बर्तन में डाल के देते हैं ना। तो देखिए दोना पत्री भी मिल रहा है यहाँ पे, इसी पे हम लोग खाएंगे अभी। और यहाँ पे निकल रहा है खाना। ये टमाटर का चटनी बनेगा क्या? तो दोस्तों देखिए टमाटर को पका लिया गया है आग में और इसका अभी चटनी बनेगा। तो एकदम टमाटर का एकदम देसी चटनी बनाया जा रहा है। चावल है ना, तो एक में चावल है, एक में हमारा बतख का मीट है, चटनी है और माड़झोर भी है ना, उसको भी निकाल दीजिए। चाकोर गुड़ा, हम लोग गुड़ा बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं? चाकोर झोर बोलते हैं। तो दाल की जरूरत नहीं है हमें, हम लोग गुड़ा के साथ ही खाएंगे। तो खाना हम लोग ऊपर खाएंगे और ये हमारा खाना जा रहा है ऊपर। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर बैठने के लिए कैसा है। अंशु खाना आ गया। तो देखिए खाना आ गया और ऊपर का नज़ारा भी दिखाते हैं कि कहाँ खाने वाले हम लोग। ये देखिए भैया लोग भी बैठे हैं और यहाँ पे भैया है। तो भैया बहुत सुंदर लग रहा है हम लोग को जगह, तो बहुत अच्छा है। और इधर क्या कॉटेज है क्या? जी हाँ। अच्छा तो इधर दो रूम में बेड उड लगा हुआ है और कोई साहब वो आता है आराम के लिए देते हैं सब। तो आपके यहाँ बहुत बड़ा बड़ा साहब लोग आता है? जी आईएएस आईपीएस डीसी आईएएस आईपीएस डीसी यहाँ पे आते हैं जी।
अच्छा, और सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है, एकदम चारों तरफ से आप देख सकते हैं, एकदम अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर। निकाला जा रहा है, इसको निकाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बत्तख हो गया, देसी मुर्गा हो गया या खस्सी हो गया, आप सब कुछ बनवा सकते हो। भैया का हम नंबर दे देंगे और आप इनको कॉल कीजिएगा तो आराम से आ सकते हैं। गूगल मैप का लोकेशन डाल देंगे, यहाँ पहुँचने के लिए आप आराम से उसको फॉलो करके आ सकते हैं। हम लोग भी गूगल मैप के द्वारा ही यहाँ पे आए थे और भैया का नंबर भी रहेगा। इस जगह का नाम क्या हुआ भैया? तिरला। तिरला, तिरला बोलते हैं। कौन सा ये जिला पड़ता है? रांची जिला। रांची जिला है और खेजड़ी विधानसभा और मांझी। खेजड़ी विधानसभा जी और मांझी जी। तो एड्रेस भैया बता रहे हैं, खेजड़ी विधानसभा है और मांझी जिला रांची पड़ता है, रांची से 30 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप आराम से गूगल मैप फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा इंटीरियर है, आने में थोड़ा आपको लगेगा बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन जब पहुंच जाइएगा तो जरूर अच्छा लगेगा। तो देखिए खाना आया है, और खाना कहाँ पे आया है वो देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे दीदी लोग हम लोग के लिए खाना लेके आ चुकी है, वो भी देसी झारखंडी स्टाइल में। यार इतना सुंदर व्यू है ना कि मन कर रहा है यहाँ से जाए ही नहीं। और ये देखो कैसा लग रहा है, इतना बढ़िया नज़ारा हमने देखे थे आज तक। तो देखिए दोस्तों खाना निकल चुका है, चावल है, यहाँ पे देखिए हमारा बत्तख, ये अचार है, सलाद है, पापड़ है, ये टमाटर की चटनी, आम की चटनी, ये है चाकोड़ गुड़ा साग माड़झोर, और यहाँ पे और है आम का अचार और नमक, कटहल का अचार। अच्छा ये कटहल का अचार। और यहाँ पे भी भैया लोग बैठे हुए हैं और खूबसूरत नज़ारे के साथ। आप लोग क्या खा रहे हैं भैया? चिकन चावल है। चिकन चावल। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? लोग आए हैं रांची। रांची आईटीआई। आईटीआई रांची से। तो आप लोगों का पहली बार है या फिर आप लोग आ चुके थे पहले? पहले आ चुके हैं, ये सेकंड या थर्ड बार है। अच्छा सेकंड थर्ड बार है। तो देखिए भैया लोग एकदम देसी चिकन बनवाए हैं और यहाँ पे एकदम मस्त नज़ारा के साथ खाना खा रहे हैं सारे लोग। तो दोस्तों देखिए खाना आ चुका है, चलिए खाना शुरू करते हैं। और ये है चाकोड़ साग, तो दाल की जगह आज हम लोग यही खा रहे हैं। तो ये एक तरह का काफी देसी सूप कह लीजिए। तो अंशु कैसा लग रहा है खाना देख के? फुल झारखंडी कल्चर, पूरा झारखंडी। और जैसा कि इसका नाम है झारखंड ट्राइबल फूड्स, उसी तरीके से पूरा ट्राइबल फूड है। और हरे हरे सखुआ का पत्ता में खाना सर्व हुआ है। चलिए टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का खाना कैसा लगता है। और जैसा कि बताया मैंने, यहाँ पे आपको ऑर्डर दे के ही खाना बनवाना पड़ता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। ये हमारा मटन बत्तख का मीट है। फुल झारखंडी खाना और काफी अच्छे से पकाया गया है, एकदम तीखा चटपटा है। और हम लोग काफी देर से भूखे भी थे, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा में हमें आम की चटनी और टमाटर की चटनी, कटहल का अचार और आम का अचार भी मिला है, तो ये सब इसका स्वाद और बढ़ा देगा। सो दोस्तों देखिए अंशु इधर है, कैसा लग रहा है अंशु? बहुत मजा आ रहा है। और देखिए पूरा खाना यहाँ पे है और काफी लोग भी आए हुए हैं, सारे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। जन्नत, जन्नत, एकदम जन्नत का सुख मिलेगा सच में। बहुत सुकून है और इतना देसी खाना ना बहुत कम जगह पे मिलता है। और सबसे खास बात ये व्यू, ये व्यू आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो कटहल का अचार, आम का अचार और देसी खाना बहुत सुकून दे रहा है। और मुझे लगता है ना हम लोगों का टोटल बिल हमको लगता है 500-600 या 700 आएगा अधिक से अधिक। तो हम लोग लास्ट में आपको बताएंगे कि टोटल पैसा कितना लगा। वैसे बत्तख बनवाने का 450 था और बाकी सबका जोड़ के लास्ट में हम लोग आपको बता देंगे। तो दोस्तों
दोस्तों हम लोगों को खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, सारा चीज का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है और हम लोग अभी काफी इंजॉय कर रहे हैं खास करके इस माहौल में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी क्योंकि हमें खाना हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तुमको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा है। आपको एक बार जरूर आके यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, गेहूं के साथ जो नजारा है और जो खाने का जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। डेढ़ साल से आ रहे हैं, 500 का तेल जला करके आना पड़ता है लेकिन यहाँ पे आके खा करके जाते हैं। अच्छा, पैसा वसूल है क्या? पूरा पैसा वसूल है। हम लोग यहाँ पर ही संडे था, अपना बिजनेस बंद करके आए हैं, संडे के दिन यहीं पर आते हैं और खाते हैं पूरा ठाट से। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग भाई, आप लोग बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा खाना? हम लोग भी बहुत अच्छा लगा है। और बाकी जो हम लोग के भाई लोग देख रहे हैं उन लोग को आना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल आना चाहिए, एक बार जरूर से जरूर यहाँ आना चाहिए। तो एक आप लोग पहले आए थे कि फर्स्ट टाइम है? बेसिकली हमारा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, एंड यहाँ का जो नेचर और माहौल दिखा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आप लोग घूमते घूमते आए थे, आप लोगों को पसंद आ गया? पीसफुल प्लेस, ये बहुत पीसफुल है। और सजेस्ट किया था, अच्छा जा करके एक बार देखो वहाँ का खाना, नेचर देखो, अच्छा लगेगा। कुछ फ्रेंड्स हमारे पहले आ चुके थे तो उन्होंने सजेस्ट किया था। अच्छा, यहाँ जाइए। तो आप लोगों को पसंद आया ये जगह? बहुत फील हुआ यहाँ पे। क्या है ना कि मेन टाउन से निकल करके ऐसा नेचर देखना, थोड़ा अगर आपको अपना हॉलीडे एंजॉय करना है तो इन्हीं सब जगह पे एंजॉय। तो आज आप लोग का संडे अच्छा रहा कह सकते हैं? बहुत अच्छा, मजा कर रहे हैं आप लोग। हम लोगों ने एंजॉय किया और वसूल कर लिया समय। मतलब इतना दूर आना सफल रहा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे आते समय रास्ता में तो लग रहा होगा कहाँ जा रहे हैं, कितना दूर है, लेकिन बस यहाँ आने के बाद वो सारा चीज खत्म हो गया। चलिए ठीक है भैया, चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग। चलिए थैंक यू।